राधे राधे महाराज जी। हाँ जी राधे राधे। बेटा आप लोग आगे वाले बैठ जाओ ना सब लोग। जी बोलो बेटा। महाराज जी मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आजकल के जो यंगस्टर्स जो स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी मीन्स भक्ति मार्ग पे उतना अपना फोकस नहीं कर पाते हैं जितना एज कम्पेयर टू बॉलीवुड एंड ऑल ये सब लाइक अ डिस्ट्रैक्शन ये सब पे करते हैं, तो हम कैसे अपने आप को एकदम समर्पित कर दें भक्ति मार्ग पर और अपना इसी प्रकार सही तरीके से हम अध्ययन में भी आगे बढ़ें पढ़ाई में भी और सही तरीके से पढ़ाई भी करें और डिस्ट्रैक्शन से एकदम मतलब। आप जैसे यंगस्टर आप जैसे आप जैसे यूथ जब आप बच्चों को अपने दोस्तों को सखियों को सहेलियों को आप कन्वेंस करेंगे ना आप समझाएंगे तो कुछ लोग तो समझ के आपके संग खड़े हो जाएंगे। हाँ जी। और आप लोगों को चाहिए कि आप सदा सत्संग से हाँ आप सबको जागरूक कीजिए पहला। हाँ जी। दूसरा अपने आप को सत्संग से जोड़ के रखिए। हाँ जी। पढ़ाई करिए नाम कमाइए इज्जत कमाइए पैसा कमाइए। कोई भी कथा मैं मिस नहीं करती हूँ हर एक कथा समय निकाल कर जरूर देती हूँ। खुश जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार। राधे राधे। बहुत सुंदर खुश रहिए। आप जैसे युवाओं की जरूरत है सारी बहन बेटियों को आप लोग सत्संग से जोड़िए धर्म से जोड़िए खुश रहिए। महाराज जी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरा सपना है डॉक्टर बनूं और लोगों की सेवा करूं। बिल्कुल भगवान आपका सपना पूरा करे। श्रीमद् नारायण गुरु जी मेरा ये सवाल है कि सीता माता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी थी वो तो प्रतिवर्ता थी फिर भी। भाई वो तो पवित्र थी राम जी को पता था पर जमाने को तो समझाना था। अब जमाने को देख के भी तो फिर भी जमाने ने बोला जी फिर अब अग्नि परीक्षा देने के बाद भी तो जमाने ने बोला इसलिए दुनिया को खुश करने के चक्कर में ना पड़ो। राम जी खुश नहीं कर पाए दुनिया को आप तो अपना काम करते रहो खुश रहो। मम्मी को अपने चरण स्पर्श करना है गुरु जी। खुश रहिए अभी कर लेना बेटा। राधे राधे गुरु जी। हाँ हाँ बेटा हाँ बोलो बेटा बोलो। गुरु जी मेरे को एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना है जल्दी कर लो। महाराज जी मेरे पिताश्री थे तो उनका निधन हो गया 11 तारीख को तो उसमें मेरे पिताजी पहले से ही बोल रहे थे मेरे जीजा जी को कि मतलब मेरा मुखाग्नि तुम देना और मेरा कार्यक्रम तुम करना तो उसमें मतलब समाज वाले बोलने लगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे जीजा जी दूसरे गोद में आ जा रहे थे तो आपका भाई नहीं है क्या। नहीं हम लोग 5 बहन हैं बस। अच्छा बहन है भाई नहीं। हाँ, भाई नहीं है तो समाज वाले के सहमति से नहीं करने दिए जीजा जी को फिर मैं बोली कि मैं करूंगी तो पूरे लोग मिल के बोले कि नहीं जो हमारे गोद का है उसको भी करने दीजिए और मैं भी कर लूंगी और मेरे जीजा जी भी तो तीनों मिल के हम लोग मुखाग्नि दिए मेरे पिताजी को। ठीक है तो महाराज जी मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ हाँ जब उनकी इच्छा थी तो करना देना चाहिए कोई बुराई नहीं है। दामाद भी पुत्र रूप में ही होता है तो दामाद को अधिकार है कि यदि बेटा नहीं है किसी बाप का माँ का तो उसका दामाद ही अग्नि संस्कार करता है जी महाराज। हाँ जी। ये समाज वाले इसलिए तो समाज दुनिया के लोगों को राम जी नहीं समझा पाए हम और आप कैसे समझा पाएंगे जी महाराज जी। मेरी मम्मी और मेरी बहन आई है तो उनको आशीर्वाद दीजिए महाराज जी मेरे सारे परिवार को कि इस कठिन परिश्रम को झेल पाए। प्रसन्न रही भगवान आपको सुखी रखे। यहाँ ले आना माइक एक एक से बात करो बेटा सब लोग थोड़ा थोड़ा जल्दी कर लो। हेलो राधे राधे महाराज जी। जी अभी एक जी महाराज जी मेरा ये क्वेश्चन है कि हाँ। मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूँ तो ये अच्छा है या मतलब जब तक गुरु जी आपको गुरु मंत्र ना दें तब तक आप किसी को मानते रहिए अच्छा है पर मंत्र तो लेना पड़ेगा। शंकर जी, जी को आप मानते हैं अच्छा है पर शंकर जी आपको मंत्र देने किसी ना किसी रूप में ही तो आएंगे। हाँ इसलिए मंत्र जरूरी है गुरु बनाना आवश्यक है। महाराज जी मेरा एक आपसे विश है महाराज जी कि आज जिस प्रकार का यहाँ पे आयोजन हुआ है इससे हजारों लोगों का कल्याण हो रहा है तो हम भी चाहते हैं महाराज जी कि अपने लाइफ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और इतने काबिल बने कि इस टाइप का हम भी आयोजन करें जिससे कि बहुत लोगों का हमारे क्षेत्र में कल्याण हो। आपने जितना अच्छा भाव रखा है ये पर्याप्त है। आप भगवान करे खूब समर्थवान बने खूब बड़ी आयोजन करें। हम 110 किलोमीटर यहाँ रामानुगंज से आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी इस टाइप का आयोजन हो जिससे कि हमारे क्षेत्र के लोगों का कल्याण हो महाराज जी जरूर।